राजस्थान विधानसभा 2023 में कांग्रेस पार्टी का जो आज घोषणा पत्र खड़े जी के हाथों से उन्होंने लॉन्च किया है, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा स्टेटमेंट है। इधर देखो सर, इधर देखो, इधर देखो सर, घूम का मुंह में घुसाओगे क्या? नीचे करो, आज तक नीचे करो। विशेष रूप से नौजवानों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी घोषणाएं की है मैनिफेस्टो के माध्यम से, और हर वर्ग को आज विश्वास हुआ है कि हमारी भलाई कांग्रेस के साथ है। आप हमारे घोषणा पत्र को देख लीजिए और भाजपा ने घोषणा करी है, ना तो उसमें लोगों का विश्वास है और ना ही कहीं उसके अंदर कोई क्रिएटिव इमेजिनेशन है। हम लोगों ने जो आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो हमारी गारंटीज के साथ साथ हमारा जो विजन है उसको उल्लेखित करता है, और हर वर्ग विशेष रूप से नौजवान, किसान, उद्योग, इन सबको हमने साधने का काम किया है। हमारा जो कमिटमेंट जनता के प्रति है, लोग इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उसमें विश्वास कर रहे हैं, और हमारा अब तक का प्रचार हुआ है उसे भी स्पष्ट हो गया है कि हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा संगठन और पार्टी का जो काम है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, और 25 तारीख को बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में वो परंपरा टूटेगी। 5 साल में बदलाव की बातें होती आई है, इस बार यहाँ अच्छे बहुमत के साथ सरकार लोग बनाएंगे। 5 साल में तो 1,32,000 रोजगार दिए और फिर 5 साल में 4 लाख का वादा कर दिए। हम लोगों ने लगभग 2.25 लाख नौकरी दे चुके हैं और 1 लाख प्रक्रिया में चल रही है। कुछ कोर्ट किसी वजह से फंस गए थे, लेकिन हम लोगों ने अब इसको एक्सपेंड किया है, क्योंकि देश में केंद्र सरकार की वजह से ऐतिहासिक बेरोजगारी है, उसको खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को और काम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी ने संकल्प किया है कि हम लाखों लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देंगे, कुछ सरकारी और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाने के बाद। बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी ने भी कई सारी घोषणाएं, बीजेपी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 9.5 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है क्या? तो बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है, लोगों को उनकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस के प्रति उनकी धारणा है। हमने कर्नाटक में घोषणा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उनको लागू किया, हिमाचल में अनाउंसमेंट्स किए, चुनाव जीतने लागू किया। आज भी खड़गे साहब ने कहा जो हम डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो का बना रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में तमाम घोषणाओं को हम अमलीजामा बनाएंगे।